और ज्यादा करो, देखो कितना जाम लगा हुआ है ये लक्ष्मी नगर जाते हुए, और ये नोएडा अक्षरधाम के लिए बोर्ड लग रहा है सामने, देखिए बोर्ड देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, और कितना ज्यादा जाम है देखिए आस पास में, इधर देखिए नीचे भी देख लीजिए, ठीक है, और मेरे साइडों से भी देख लीजिए कितना जाम है, देखिए है जाम। अब इस जाम से मुक्ति पाने के लिए क्या करें बताओ, सरकारें इतना वादा करती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन पे जाम तो हटता है नहीं, और देखिए वो मेट्रो जा रही है, देखिए वो चमक रही हो शायद आपको, हल्का फुल्का से चमक रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे और ये नोएडा के लिए देखिए ये जा रहा है रास्ता, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये बोर्ड पे, और देखिए कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, देखिए बोर्ड दिखा दिया मैंने आपको, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा जाम है, आपको दिखाते हैं पूरा कि कहाँ तक जाम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा ही दिखा देते हैं आपको, और इधर इन्होंने गोल चक्कर बनाया हुआ है, देखिए इधर ये घास घूस भी है इधर, ये हम लक्ष्मी नगर में ही है था समझ लीजिए आप, देखिए जाम कैसे चल रहा है, ये पुलिस पता नहीं ना तो सुरक्षा करती है लोगों की, मर रहा है मरने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई मतलब नहीं सरकार को, दोस्तों इस वीडियो की इतना वायरल करो, इतना वायरल करो क्या कानून को भी पता चलना चाहिए, ठीक है ना, ये पुलिस वालों को फ्री की सैलरी दे रहे हैं आप लोग, चालान करते हैं ये अपनी जेब में भरते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सरकार के खाते में नहीं जा रहा है, इन्हें खामो खाम की सुविधा मिल रही है सब कुछ, देखिए ये है, मैंने तो सोचा दोस्तों को दिखाया जाए यार, देखिए ये जंगल है इधर गोल चक्कर के बीच में, देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, बताओ क्या करेंगे, चले थोड़ा थोड़ा तब भी ठीक है, चल भी नहीं रहा बिल्कुल भी, मीडिया को हकीकत बात दिखानी चाहिए, मीडिया हकीकत नहीं दिखाती है, देखिए ये चमक रहा होगा आप लोगों के लिए, देखिए ये खाली पड़ा हुआ है इधर भी और देखिए इधर भी, ठीक है, ये बीच में गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया हुआ है नीचे नोएडा अक्षरधाम जाने के लिए, तो मैंने सोचा दोस्तों को दिखाया जाए यार कुछ बना के, जब दिल्ली आए हैं तो, ठीक है दोस्तों, अक्षरधाम का आपको वो भी दिखाएंगे मेट्रो स्टेशन कैसा है, बहुत बेहतरीन है, देखिए इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं ये, ठीक है, इधर ये 30,000 कोट की तरफ से आ रही हैं गाड़ियाँ, और इधर ये जा रही हैं नोएडा के लिए, नोएडा गाजियाबाद अक्षरधाम होते हुए, ठीक है, देखिए ये आ रही हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा शायद, ठीक है गाइस, और बहुत ज़्यादा जाम है, और डेली का ही है, आज का नहीं है, ये डेली का है, तो दोस्तों इस वीडियो को वायरल करो, सरकार को भी पता चले कि क्या हो रहा है हमारे सरकार बनने पे, ठीक है ना, ये देखिए हम ऊपर से आए तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बस है वो हल्की हल्की, देखिए वो लाइटें आ रही हैं, वहाँ से हम आए थे ये घूम कर, और यहाँ का ये अंडरपास है,
ऊपर लक्ष्मी नगर के लिए चला गया था इधर, और इधर लेफ्ट में गाजियाबाद के लिए आ जाते हैं हम। ये सारा देखें, ये इधर आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग, अब बने रहिए बस मेरे साथ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, मैं हर टाइप की वीडियो डालता हूँ। ठीक है गाइस, आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताया करो, कि हमें भाई ये देखना है, ये चीज़ दिखाओ, यहाँ की दिखाओ। ये देखिए आ गया, और ये लक्ष्मी नगर के लिए सामने सीधा चला गया है, फ्लाईओवर है ये, अंडरपास टाइप। ये फ्लाईओवर बस खत्म होने ही वाला है, ये खत्म हो गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ से ये ऊपर चली जाएंगी आईटीओ के लिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड हो जाएंगे तो, और सीधे जाएंगे तो हम अक्षरधाम, गाजियाबाद, नोएडा इधर होते हुए निकल जाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बाइक वाले भी कितने परेशान होते हैं बेचारे। शहर खैर हमारे चार पहियों में तो थोड़ा ये है कि ज़्यादा स्पीड घेरती है, लेकिन दो पहिए वाले भी बताओ क्या करें। जो सवारियां हैं ऑटो वाले, रिक्शे वाले, उनका तो बिल्कुल धंधा पानी बिल्कुल बंद हो गया, बेचारे क्या करें। वो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उसका हारे तके बेचारे पी खा लेते हैं, अब बताओ क्या करें, घर कैसे चलेगा। दुनिया रोड पर आ गई है, दुनिया रोड पर आ चुकी है दोस्तों। देखिए आईटीओ राजघाट, और सीधे जाएंगे तो नोएडा अक्षरधाम। अभी अक्षरधाम पड़ेगा, आपको मेट्रो स्टेशन दिखाते हैं, उसके बाद गाजियाबाद के लिए कट आएगा, और सीधे जाएंगे तो हम नोएडा पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए जूम करके दिखा देते हैं, देखिए ये उधर के लिए मुड़ गए आईटीओ राजघाट के लिए, और ये सीधे हम जा रहे हैं नोएडा के लिए। ठीक है, ये है मेट्रो लाइन, मेट्रो लाइन ये लक्ष्मी नगर से आई हुई है इधर से, और इधर वो कौन है, यमुना बैंक, सॉरी यमुना बैंक स्टेशन है पूरा। ठीक है गाइस, देख रहे हो आप लोग जाम कितना ज़्यादा है, देखिए आप लोग, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा, न्यूज वाला भी कोई नहीं दिखाता। ठीक है फ्रेंड्स, बस एक तुम्हारा भाई है केपी संत, जो आपको सब कुछ दिखा सकता है, ये सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए उधर की लाइन खाली है, और इधर देखिए कितना जाम है, देखिए आप लोग, ये जाम से पता नहीं कब, पता नहीं छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। सरकारें जो आती हैं वो वादा तो बहुत लंबे लंबे करती है, पर करती कुछ नहीं है, अपनी सब जेब भर के उतर जाते हैं कि भैया बहुत कमा लिया, अब नहीं पड़ना इस लफड़े में, सबका यही हाल है। ठीक है गाइस, ये गाड़ियों के लिए है, बाइकों के लिए यहाँ से उतर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बनाया हुआ है इन्होंने, देखिए मेरे दोनों साइड में, इधर से भी देख लीजिए। ठीक है, इसमें बाइक हम क्रॉस कर सकते हैं, और ये है बस स्टैंड। और ये तुम्हारा है यमुना बैंक के जो कार्यकर्ता हैं, यमुना बैंक उनके लिए फ्लैट बने हुए हैं ये वाले। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, देखिए कितना जाम है यहाँ पे, जाम देखिए आप लोग, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारी देश की जनता को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
इससे अच्छे तो गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, चैन की सांस सो रहे हैं, लेकिन इतने सिटी में तो बहुत बुरा हाल है। कहीं जाम में फंस रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, बहुत बुरा हाल हो चुका है दोस्तों, बहुत बुरा जिससे कहते हैं। अब 5 साल में पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। अब जाम देखो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। अब चलाइए हल्का हल्का, देखिए ये फ्लाइवर है, आप लोगों को पूरा ही वीडियो दिखाते हैं। देखिए वो मेट्रो जा रही है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए दोनों तरफ से जा रही है। देखो जाम, तुम जाम ही देखो आज। जो ज़्यादा लाइटें चमक रही हैं ना, यही है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आपको और पास से दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये है जाम, देखिए देखिए, ये है मेट्रो स्टेशन यहाँ का अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। देखिए यहाँ पे ये गाड़ियों का शोरूम है, और भी खाने पीने का है सब कुछ, और ये तुम्हारा वो है फुट ओवर ब्रिज, ठीक है। ये देखिए, और इसके पीछे ही, जस्ट इसके पीछे मेट्रो स्टेशन के अक्षरधाम मंदिर है, क्यों वहाँ पर फोटोग्राफी करने नहीं देते हैं, वो फ़ोन को ले लेते हैं हाथ में और पैदल भेजते हैं कि देख का फोटोग्राफी नहीं है वहाँ पर, कि फ़ोन ही नहीं ले जा सकते तो फोटोग्राफी क्या करोगे। देखिए जाम देखो आप लोग, ये जाम से रिलेटेड है वीडियो, तो अब मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताओ। देखिए हमें तो ही यहाँ से ही हमें लेफ्ट होना है, यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। देखिए वो गाजियाबाद के लिए सिग्नल दे रखा है इन्होंने, गाजियाबाद के लिए, देखिए वो चमक रहा है गाजियाबाद, अक्षरधाम मंदिर यू टर्न, नोएडा लास्ट में है, देखिए वो रहा गाजियाबाद, ठीक है गाइस। और ITO आपको दिखाया है मैंने यहाँ तक, और देखिए कितना जाम है, ठीक है। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो दोस्तों देख लेना, वीडियो लंबा हो जाए तो ये नहीं है, और ये है मदर डेयरी वाला इलाका पड़गंज, इधर ये मेरे लेफ्ट हैंड पे, और ये है अक्षरधाम। देखिए वो थोड़ा बहुत चमक रहा होगा, लेकिन यहाँ तक नहीं चमक रहा, क्या रेलिंग आ रही है इस वजह से। देखिए हम यहाँ से कट गए ये गाजियाबाद के लिए, देखिए अक्षरधाम, इसके यू टर्न ले सकते हैं आप लोग, ये नोएडा के लिए चला गया है यहाँ से, और यहाँ से हम जा रहे हैं गाजियाबाद, ठीक है गाइस। तो ये इलाका है मदर डेयरी पड़पड़गंज वाला इलाका है, ये सारी शॉप है, ये दुकानें जो भी है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगे, तो हमें लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके दोस्तों। ये हमारे मोदी साहब ने बनवाया था।